तो मैंने यहाँ पे इंडिया की टॉप 5 सेलिंग वेइंग स्केल्स को खरीदा है और डिसाइड किया है कि मैं खुद चेक करूंगा कि कौन सी वेइंग स्केल सबसे ज्यादा एक्यूरेट है। तो मैं यहाँ पे दो टेस्ट करने वाला हूँ, पहला है एक्यूरेसी टेस्ट और दूसरा है स्टेबिलिटी टेस्ट। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सारी रिकमेंडेशंस कम्प्लीटली अनस्पॉन्सर्ड है और यहाँ पे हम किसी भी पर्टिकुलर ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहे हैं और ये कम्प्लीटली हमारी ऑनेस्ट ओपिनियन है जो हमने प्रोडक्ट्स खरीदे हैं उनके ऊपर रिसर्च करने के बाद। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा अगर आप भी अपने लिए एक अच्छा वेइंग स्केल खरीदना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे ज्यादा टॉप सेलिंग ऑनलाइन वेइंग स्केल्स लिए हैं उनकी ज्यादा रेटिंग और अच्छे रिव्यूज के बेसिस पे। ये सारे ही टॉप ब्रांड्स हैं जैसे कि हेल्थसेंस, हेल्थजीनी, डॉक्टर ट्रस्ट, हॉफिन्स और ओमरॉन। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे हेल्थ जीनी वेइंग मशीन की। इसका जो साइज है वो 26x26 सेंटीमीटर है जो कि काफी स्मॉल और कॉम्पैक्ट डिजाइन है। इसकी जो थिकनेस है वो जस्ट 2 सेंटीमीटर की है और इसकी जो बॉडी है वो टेम्पर्ड ग्लास फिनिश की है। और ये मशीन काफी ज्यादा हल्की है, इसका वेट सिर्फ 980 ग्राम्स का है। और अगर हम इसकी डिस्प्ले की बात करें तो आप देख सकते हैं इसका जो वेट है यहाँ पे बीच में दिया हुआ है और इसके साथ आपको इसके अंदर रूम टेम्परेचर भी मिल जाएगा यहाँ पे बॉटम की साइड और यहाँ पे ऊपर आपको बैटरी इंडिकेटर भी मिल जाएगा क्योंकि जो आपका वेट है वो वेइंग मशीन पे टेम्परेचर के साथ चेंज हो सकता है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप अपना वेट करते हैं तो दिन में एक ही टाइम पे वेट करें जिससे आपका रूम टेम्परेचर सेम रहेगा और आपका वेट जो है वो काफी एक्यूरेट आएगा। और यहाँ पे अगर हम स्क्रीन साइज देखें तो वो थोड़ी छोटी है और इसके अंदर कोई बैकलाइट डिस्प्ले भी नहीं है तो वो एक छोटा ड्रॉबैक है इस मशीन का। और अगर हम इस मशीन के पीछे देखें तो ये 2AA साइज बैटरी के साथ चलती है जिससे ये वेइंग मशीन काफी ज्यादा लंबे टाइम तक चल जाएगी। और अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो ये मशीन आप अमेजोन से अराउंड 700 रुपीज ही खरीद सकते हैं और इसके साथ आपको 1 साल की वारंटी भी मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो पहला टेस्ट हम करेंगे वो है एक्यूरेसी टेस्ट। इस टेस्ट में हम दो लोगों को अपना वेट 2 बार चेक करने के लिए बोलेंगे एंड फिर देखेंगे कि वो वेट कंसिस्टेंटली एक्यूरेट आ रहा है या नहीं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हेल्थ जीनी ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है दोनों टेस्ट के अंदर तो इसकी रीडिंग जो है वो काफी कंसिस्टेंट है। सो दूसरा टेस्ट यहाँ पे जो हम करने वाले हैं वो है स्टेबिलिटी टेस्ट जिसके अंदर दो लोग मशीन पे चढ़ के और उतर के देखेंगे कि वो स्टेबल रहती है या नहीं। तो ये मशीन काफी स्टेबल थी जिन लोगों का फुट साइज थोड़ा छोटा था बट ये मशीन थोड़ी अनस्टेबल थी उन लोगों के लिए जिनका पैर का साइज थोड़ा बड़ा था या फिर जिनका बॉडी वेट थोड़ा ज्यादा था। तो ओवरऑल ये मशीन काफी एक्यूरेट थी बट स्टेबिलिटी के मामले में थोड़ी सी एवरेज थी। चलिए हम अगली मशीन की बात करते हैं जो डॉक्टर ट्रस्ट ब्रांड की है और ये मशीन के डायमेंशंस 30x26 सेंटीमीटर है एंड ये भी काफी कॉम्पैक्ट साइज है। और इस मशीन का वेट 1.5 केजी का है जो कि हेल्थ जीनी मशीन से थोड़ा ज्यादा है और ये भी एक टेम्पर्ड ग्लास के साथ आती है जो भी काफी अच्छा एक थिक ग्लास मटेरियल है। तो अगर हम इस मशीन की डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ बीच में आप वेट की रीडिंग देख सकते हैं, यहाँ पे टॉप पे आपको एक बैटरी इंडिकेटर मिल जाएगा और इसके यहाँ पे बॉटम में आपको एक रूम टेम्परेचर का ऑप्शन भी अवेलेबल है। और इस मशीन की अगर मैं बैटरी की बात करूं तो आपको ये 500 mAh की बैटरी के साथ मिल जाएगा जो कि आप आसानी से चार्ज कर सकते हैं एक माइक्रो यूएसबी केबल से इस पोर्ट के द्वारा। तो ओवरऑल मशीन की जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफी ज्यादा मजबूत है और ये मशीन आपको अमेजोन पे 1300 रुपीज के अराउंड मिल जाएगी और इसके साथ आपको 6 महीने की वारंटी मिलेगी। तो आइए अब हम इसकी एक्यूरेसी टेस्ट के बारे में बात करते हैं। डॉक्टर ट्रस्ट ने काफी अच्छा परफॉर्म किया एक्यूरेसी टेस्ट में क्योंकि इसकी रीडिंग काफी कंसिस्टेंट थी दोनों ही लोगों के लिए। और अगर हम स्टेबिलिटी टेस्ट की बात करें तो भी इस मशीन ने काफी अच्छा परफॉर्म किया चढ़ते समय और इवन उतरते समय हेल्थ जीनी मशीन के कंपैरेटिवली। चलिए अब हम बात करते हैं हॉफिन्स मशीन की जिसका डायमेंशन 28x28 सेंटीमीटर है और इसकी जो थिकनेस है वो 3 सेंटीमीटर की है। और यहाँ पे ये मशीन भी काफी अच्छे टेम्पर्ड ग्लास के साथ आती है। और अगर हम इस मशीन की डिस्प्ले की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये काफी अच्छा एक ब्राइट एलईडी लाइट के साथ डिस्प्ले आता है और यहाँ पे बॉटम राइट में आपको रूम टेम्परेचर का भी ऑप्शन है। और इसकी अगर हम बैटरी की बात करें तो ये मशीन भी 2AA साइज बैटरी के साथ चलती है। तो अगर आप ये मशीन खरीदना चाहते हैं तो आपको ये मशीन 900 रुपीज की मिल जाएगी अमेजोन पे और इसके साथ आपको 1 ईयर की वारंटी भी मिलेगी। और अगर हम इसकी एक्यूरेसी टेस्ट की बात करते हैं तो हॉफिन्स की मशीन ने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया दोनों ही लोगों के लिए और इसकी रीडिंग्स काफी एक्यूरेट आई हर बार। और अगर हम स्टेबिलिटी की भी बात करें तो हॉफिन्स की मशीन काफी स्टेबल थी दोनों ही लोगों के लिए। चलिए अब हम बात करते हैं ओमरॉन मशीन की। यहाँ पे ये मशीन आपको 30cm x30cm के डायमेंशन में मिल जाएगी और इसकी जो थिकनेस है वो 1.5 सेंटीमीटर की है और ये मशीन थोड़ी ज्यादा बड़ी है अगर हम इसको दूसरी मशीन से कंपेयर करें तो। और ये मशीन आपको एक अच्छे थिक टेम्पर्ड ग्लास साथ मिल जाएगी जो मशीन को काफी ज्यादा स्टेबल रखती है। तो हम देख सकते हैं इसका डिस्प्ले काफी बड़ा है बट इस डिस्प्ले में कोई बैकलाइट नहीं है और इसमें यहाँ पे आप केजी के अंदर अपना वेट देख सकते हैं बट इस मशीन में कोई आपको बैटरी इंडिकेटर और रूम टेम्परेचर इंडिकेटर नहीं मिलता। तो अगर हम इसकी बैटरी की बात करें तो यहाँ पे इसके साथ आपको एक कॉइन बैटरी मिलती है जिसकी बैटरी लाइफ थोड़ी कम रहेगी दूसरी AAA बैटरीज के मुकाबले।
और अगर हम इस मशीन की प्राइसिंग की बात करें तो ये आपको 1500 रुपए में मिल जाएगी अमेजोन पे, और इसके साथ भी आपको एक साल की वारंटी मिल जाएगी। तो आइए अब इसकी एक्यूरेसी की बात करते हैं। तो जब हमने इसके ऊपर एक्यूरेसी टेस्ट परफॉर्म किया तो दोनों ही कैंडिडेट्स की रीडिंग थोड़ी डिफरेंट आई जब उन्होंने दूसरी बार अपना उसके ऊपर वेट चेक किया। तो हम कह सकते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी इनकंसिस्टेंट थी, बट बहुत ज्यादा इनएक्यूरेट नहीं थी। और अगर हम इसकी स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी टेस्ट के अंदर इसने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया बिकॉज इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे हेल्थ सेंस मशीन की, जिसके साथ आपको काफी मजबूत ABS प्लास्टिक बॉडी मिलती है। और इस मशीन की डायमेंशंस अराउंड 31x31 सेंटीमीटर की है, और इस मशीन की थिकनेस अराउंड 3.5 सेंटीमीटर की है। और अगर हम इस मशीन की डिस्प्ले की बात करें तो एक काफी अच्छे ब्राइट LED डिस्प्ले के साथ मिल जाता है, बट इसके साथ भी आपको बैटरी इंडिकेटर और रूम टेम्परेचर इंडिकेटर नहीं मिलता। और इस मशीन की बैटरी की अगर हम बात करें तो ये मशीन भी एक 2AA साइज बैटरी के साथ चलती है, और ये मशीन भी आपको Amazon पे 1500 रुपीज के अराउंड मिल जाएगी, और इसके साथ भी आपको 1 ईयर की वारंटी मिलेगी। तो आइए देखते हैं इस मशीन ने एक्यूरेसी टेस्ट में कैसा परफॉर्म किया। जब दोनों लोगों ने अपना इस मशीन पे वेट चेक किया तो इसकी रीडिंग्स भी दोनों ही बार काफी कंसिस्टेंट आई, जो कि काफी इंप्रेसिव है। पर जब हमने इस मशीन पे स्टेबिलिटी टेस्ट किया तो इस मशीन ने काफी पूरा परफॉर्मेंस की, क्योंकि मशीन चढ़ते समय और उतरते समय काफी हिल रही थी दोनों ही कैंडिडेट्स के लिए। चलिए अब हम इन सारे टेस्ट के रिजल्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो हमने इस रिजल्ट में कंसिस्टेंट एक्यूरेसी को प्राइमरी फैक्टर की तरह कंसिडर किया है। तो अगर हम पहले टेस्ट की बात करें जो कि है कंसिस्टेंट एक्यूरेसी टेस्ट, हेल्जिनी हॉफिन्स एंड हेल्सेंस ने काफी अच्छा परफॉर्म किया। बट अगर हम डॉक्टर ट्रस्ट के एक्यूरेसी टेस्ट की बात करें तो उसकी जो रीडिंग्स थी बाकी तीन मशीन की कंपैरेटिव में थोड़ी ज्यादा डिफरेंट थी, क्योंकि जनरली हर वेइंग स्केल के अंदर 100-200 ग्राम्स का डिफरेंस हम जरूर दे सकते हैं, मगर किसी मशीन का अगर थोड़ा ज्यादा डिफरेंस आता है तो हो सकता है वो मशीन थोड़ी कम एक्यूरेट हो। और अगर हम ओमरॉन मशीन की बात करें तो उसका रिजल्ट भी काफी एवरेज था, क्योंकि उसकी रीडिंग्स भी थोड़ी डिफरेंट थी हर बार जब कैंडिडेट्स ने अपना वेट चेक किया। और अगर हम टेस्ट 2 की बात करें जो कि स्टेबिलिटी टेस्ट था, तो हॉफिन्स, डॉक्टर ट्रस्ट और ओमरॉन ने काफी अच्छा परफॉर्म किया। बट अगर हम हेल्जिनी की बात करें तो उसका परफॉर्मेंस थोड़ी एवरेज थी, और अगर हेल्थ सेंस की बात करें तो उसकी परफॉर्मेंस काफी पुअर थी। तो इन सभी टेस्ट के ऑब्जर्वेशन के बाद मेरी टॉप 3 रिकमेंडेशंस आपके लिए हॉफिन्स, हेल्थ सेंस और हेल्जिनी है, क्योंकि ये वेइंग मशीन सबसे ज्यादा एक्यूरेट थी और इनके साथ आपको काफी अच्छे फीचर्स मिलते हैं। तो आप इन सभी वेइंग स्केल में से अपनी पर्सनल चॉइस के हिसाब से कोई भी एक वेइंग स्केल चुन सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अगर आप अपने लिए एक नया प्रोडक्ट खरीदने का प्लान कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि हम उस प्रोडक्ट के टॉप सेलर्स को कंपेयर करें और टेस्ट करें, तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। We'll be right back.